वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी लाजवाब फिश करी, बहुत ही कम तेल मसालों में पारंपरिक देसी अंदाज। तो हमने ये जो मसाले यूज़ किए हैं वो सामने दिख रहे हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। और हमने लिया है 1 किलो ताज़ा मछली और उसे अच्छे तरीके से धो लिया है। फिर उसमें हमने ऐड किया 1 चम्मच सरसों तेल, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर तथा सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्राई पैन गर्म होने के बाद उसमें 3 चम्मच हमने बड़े सरसों का तेल दिया और उसे अच्छी तरह से गर्म किया। बिना गर्म किए हुए तेल में हम मछली के पीसेज नहीं डालेंगे और बहुत अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हाई फ्लेम में फिर हमने सारे पीसों को एक एक करके डाल दिया है। और अब देखिए, इसे 1.5 मिनट पकाने के बाद हम धीरे धीरे उलटते पलटते हुए सारी मछलियों को अच्छे से पकाएंगे और एक एक करके इसी प्रकार हम पलटते रहेंगे और फिर लगभग 1.5 से 2 मिनट पकने देंगे। अब चूंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है इसलिए इसमें थोड़ा सा आँच को कम कर लेंगे और इसी तरह से इसे पकाएंगे। और दोनों तरफ जब अच्छी तरह से मछलियाँ भून जाएंगी, पक जाएंगी, तो इसे हम निकाल कर रख लेंगे। इसी प्रकार से एक एक करके सारी मछलियों को हम इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे और हमारी सारी मछलियाँ अब लगभग भून चुकी हैं। और ये मछलियाँ भून रही थी तब तक हमने मसालों को भी पीस लिया है और अब हम इन भुनी हुई मछलियों को मसाले में पकाएंगे। तो चलिए, हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसे खूब अच्छी तरह से गर्म होने दिया और फिर हमने थोड़ा सा ही तेल लिया है, वो भी जब गर्म हो चुका तो उसमें हमने लगभग 10-12 दाने मेथी के डाले। और फिर हमने जो मसाले तैयार किए थे शुरू में, हमने उसकी लिस्ट दी है, उन सारे मसालों को एक साथ पीस लिया था और उन मसालों को हमने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद थोड़ा फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे देखिए, हम फ्राई कर रहे हैं लगभग मीडियम लो आँच में 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। और फिर हमने इसमें डाल दिया है टमाटर की प्यूरी, 2 टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया था, उसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और उसमें फिर हमने मिला दिया है नमक। नमक डालने से ये अच्छी तरह से फ्राई होगा और उसमें जो पानी थोड़ा सा निकलेगा उसे हम तेज आँच में सुखा लेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे। इसी प्रकार से हम लगभग लो मीडियम आँच में 4-5 मिनट फ्राई करेंगे। और जब ये मसाले भुन जाएंगे तो उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर थोड़ा फ्राई करेंगे। इसी प्रकार से जब अच्छी तरह से हमारे मसाले फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएंगे। ये मसालों का पानी हमने मिलाया है और पानी हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, ये थोड़ा भून रहा है और अच्छी तरीके से भून जाए। ये बुलबुला देखिए निकलने लगा है तेल, अगल बगल थोड़ा सा कम ही तेल हमने डाला था फिर भी तेल आसपास छोड़ दिया है इसने। तो अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि इसका स्वाद बना रहे। तो हमने पानी ऐड किया और इसे थोड़ा उबलने देंगे और जब अच्छी तरह से ये हमारा पानी उबल जाएगा, 5 मिनट में देखिए उबल चुका है, तो उसके बाद इसमें एक एक कर सारी मछलियों के पीसों को जो हमने फ्राई किया था मछलियाँ उन पीसों को इसमें हम डाल देते हैं। तो हमने इसमें सारी मछलियाँ एक एक करके डाल दी है मीडियम आँच में ही। इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे और 3 मिनट तक हाई फ्लेम में इसे पकने देंगे। और जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसे हम आँच कम कर लेंगे। देखिए उबाल आ चुका है, अब हमने आँच कम करके इसे 10 मिनट तक इसी प्रकार से मीडियम आँच में पकाएंगे। हमने 10 मिनट इसे उबलने दिया है, पकने दिया है। अब हमारी मछलियाँ पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और रंग भी देखिए इसका बहुत अच्छा बना है। तो अब इसे हम ढक देंगे
क्योंकि हमारी मछली तैयार है और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए इसे सर्व करते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।